आज हम रांची की एक और वाटरफॉल एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं इंट्रो के बाद में। लोकेशन बहुत ही यूनिक एंड ऑर्बिट है एंड इसकी सनसेट के व्यू किसी भी तरह से मिस मत करना। हिरनी फॉल्स का मेन एंट्रेंस यहीं से है, यहां से आपको टिकट लेके प्रवेश करना होगा। सामने एक बड़ा पार्किंग भी है, मैंने टिकट एंड पार्किंग डिटेल्स स्क्रीन पे डाल दिया है और लगभग आप पार्किंग से ही झरना को देख सकते हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि आपको झरना देखने के लिए किसी भी सीढ़ी चढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ से उतरते ही मुझे एक ब्यूटीफुल स्पॉट दिख गया और मैं चला फोटो शूट करने। आप तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। हिरनी फॉल का एक खासियत है, मेन गेट से एंटर होते ही झरना आपके जस्ट सामने होगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक ब्रिज दिखेगा, ये देखिए ये वाला ब्रिज। इसी ब्रिज के उस पर आप जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं। मेरे पीछे आप झरना देख सकते हो, इसे झरना का जो व्यू आता है ऑसम, माइंड ब्लोइंग, जितना भी कहे कम होगा। और एक बात, झरने के पानी बहुत ही ठंडा है। पर्सनली मुझे ट्रेक करना बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं पत्थर के ऊपर से चल के जा रहा हूँ। इस जगह की 360 व्यू देखे एक बार, शायद ये व्यू ऊपर से नहीं मिल पाता, लेकिन आप चाहे तो ऊपर से घूम के भी जा सकते हैं। फाइनली हम झरने के ठीक सामने हैं, पीछे आप मेरा झरने का व्यू देख सकते हैं। तो चलिए कुछ सिनेमैटिक व्यू भी देख लेते हैं। रामगढ़ नदी से हिरनी फॉल्स का उद्गम होती है। ये लगभग 121 फीट ऊंचाई से गिरता है और ये वेस्ट सिंहभूम जिला में आता है। और रांची से यहाँ तक आने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लग सकता है। मॉनसून इज द बेस्ट टाइम टू विजिट हिरनी फॉल्स। दिसंबर जनवरी में भी आप आ सकते हो। बाय द वे, आप अगर रांची की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आपका प्लान में नेत्रहट भी हो सकता है। तो नेक्स्ट डे हम लोग नेत्रहट जा रहे हैं, सो मैं वीडियो लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो फिलहाल अभी ऊपर जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो एक तो लाइक ज़रूर करना, और अगर थोड़ा ज़्यादा पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिए। इस साइड से ही ऊपर तक जाने की रास्ता है, लेकिन अभी और टाइम नहीं है क्योंकि अभी शाम की 5 बज गए और गेट बंद होने का टाइम हो चुका है, इसलिए हम सनसेट पॉइंट तक जा नहीं पाए। बट आप मिस मत करना, मिलते हैं और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।